वैसे तुमने रखा कैसे उसके बैग में? जब वो गोलू से बात कर रही थी ना, तब बस मैंने रख दिया। पर हैप्पी, एनिमल से मस्ती नहीं करनी चाहिए। हाँ, अरे वो प्लास्टिक का था। वैसे तुम हमें घर जाके क्या करने वाले हो? बस खाना खाऊंगा, होमवर्क करूंगा। क्यों? मुझे तुम्हारी वो वीडियो गेम चाहिए। कौन सी वाली? वो जो तुमने नई खरीदी है ना, फुटबॉल गेम, वो वाली ले लो। पर उसके बदले में तुम्हें वो थ्रिलर की किताबें देनी पड़ेंगी। हम दोनों के बिना अजीब से शौक है। मुझे गेम्स पसंद है और तुम्हें एडवेंचरस किताबें। क्या हुआ? मुझे टॉयलेट आई है। वो देखो, सामने डिपार्टमेंटल स्टोर है, तुम वहाँ पे जा सकते हो। अच्छा ठीक है, मैं जाके आता हूँ, तुम यहाँ पे रुको। हैप्पी, मेरे लिए चॉकलेट लेते आना। मुझे लगा ही था तुम यही बोलने वाली हो। जान प्यारी है तो सारी की सारी गोली अंदर डाल दूंगा, नहीं तो शटर बंद कर। चलते एक काम कर, सबको जाके कोने में चुपचाप बिठा दे। क्या उठा के ले जाओ सबको। चल अंदर, चल अंदर, चल। देख क्या रहा, चल। और सुन, जाके देख कोई छिपके कहीं बैठा तो नहीं है, लेके आओ उसको। चल सभी जगह देख लिया, कहीं कोई नहीं। ठीक है, अब सभी लोग ईमानदारी से अपने अपने मोबाइल्स, अपने लैपटॉप्स और अपने कैमरा बाहर निकालो और उसे स्विच ऑफ करो। चलते देखो, मैं चले करो निकालो। चलो चलो निकाल निकाल। और अगर किसी के पास से भी फोन निकला तो वो सीधा भगवान को प्यारा हो जाएगा। गोली मार दूंगा। ये किसकी मौत की आवाज है? कौन है जिसे मौत से इतना लगाव है? तुझे बहुत जल्दी मरने का शौक है ना, अभी तुझे भगवान के पास भेजता हूँ। माफ कर दो भाई, वो क्या है ना, मेरी पत्नी का फोन था, अगर मैं उसका फोन नहीं उठाता तो वो बहुत मारती है मेरे को। ठीक है, तुझे एक और मौका देता हूँ, लेकिन अगली बार ये पत्नी का बहाना नहीं चलेगा, समझा? किडनैप? ये लोग किडनैप हो चुके हैं? और ये लोग मास्क में कौन है? क्या करूं?
निखिल तुम वॉचमैन को देखो, देखो क्या हुआ है उसे। किसने फोन किया था? जी सर मैंने फोन किया था। आपने किया था? क्या हुआ बताओ यहाँ पर। सर इस बच्चे से पूछे से सब कुछ मालूम है सर। सर सर मेरा बेटा हैप्पी अंदर फंस गया सर, प्लीज सर उसे बचाओ सर। देखिए प्लीज घबराइए मत, हम लोग सीआईडी वाले हैं, हम लोग आ गए ना आपके बेटे को हम कुछ नहीं होने देंगे। बताओ क्या हुआ बेटा? सर वो मेरा दोस्त हैप्पी वो बाथरूम के लिए अंदर गया था और मैं वहाँ पे उसका वेट कर रही थी, तभी 7-8 नकाबपोश लोग गाड़ी से आए और वो अंदर चले गए। कौन सी गाड़ी से आए थे? वो वाली। सचिन बॉम्ब स्क्वाड को बुला, हो सकता है गाड़ी के अंदर बॉम्ब हो। रेडी, मालिक को बोलो कि जिस आर्किटेक्ट ने बिल्डिंग बनाई है उसे यहाँ लेकर आओ। सर हाँ सर, वॉचमैन बेहोश है सर। बेहोश? हाँ सर। एम्बुलेंस बुलाओ और उसे भेज दो हॉस्पिटल में। बॉस सारे दरवाजे और खिड़कियां चेक कर लिए हैं, अंदर से सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद ही कर दिया है। इमरजेंसी दरवाजा भी, यहां तक कि वेंटिलेटर को भी नहीं छोड़ा है। गुड, हमें हर कदम संभाल के लेना होगा। बाहर सीआईडी खड़ी है तमाशा दिखाने के लिए, हमें उनके हर कदम पर नजर रखनी होगी, समझे? लग जाओ सब। यस बॉस। कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज कैसी? मोबाइल के बीप की आवाज। आसपास तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, फिर ये मोबाइल की बीप कि हम यहाँ पे हैं। क्या हो रहा है वहाँ पे? कुछ नहीं बॉस। क्या खुसर खुसर हो रही है तुम लोगों में? नहीं बॉस, समझा रहा था इन्हें कि चौकन्ना रहे। चौकन्ना रहने का मतलब है कान खड़े रखना, समझे? वैसे भी हमारे प्लान बी का टाइम हो चुका है। हाँ बॉस, सीआईडी में भी जो हमारे बहादुर हैं वो भी बेचैन हो रहे होंगे। बिल्कुल, आखिर उन्हें भी तो हमें बताना है, वही तो हमारे इस मिशन को सफलता दिलाएंगे। सर गाड़ी में बम नहीं है। गाड़ी में बम नहीं है? नहीं सर। गुड। सचिन काम करो, देखो गाड़ी में रजिस्ट्रेशन पेपर्स वगैरह है क्या, हाँ? और गाड़ी में जितने भी फिंगरप्रिंट्स हैं सब के सब उठाओ, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। मॉल के सारे दरवाजे बंद करके रखे उन्होंने अंदर से। सर इसमें ना ही रजिस्ट्रेशन नंबर है और ना ही पीयूसी। कोई बात नहीं, किसी नंबर से पता लगाओ गाड़ी किसके नाम पे। सर आप रेडी? क्या हुआ? सर फोन की घंटी तो बज रही है मगर फोन कहीं दिख नहीं रहा है। ये रहा सर। हेलो एसीपी साहब, नमस्कार। कौन हो तुम? एसीपी सर मतलब सीआईडी बाहर है। आपकी आवाज सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। वो कौन तुम? बस यूं समझ लीजिए आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। तो अगर तू मेरे बारे में सब कुछ जानता है तो ये भी जानता होगा कि क्या हाल करता हूँ मैं गुनहगारों का, हा? मुझे पता है आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। मुझे ये भी मालूम है डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर आप मुझे पकड़ने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ आए। तो वो हो तुम जो डिपार्टमेंट स्टोर को लूटने आए हो? ना 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 ना, मैं कोई छोटा लुटेरा नहीं हूँ। अरे मैं तो बहुत बड़ा खेल खेलने आया, बहुत बड़ा खेल।
जरा मैं भी तो सुनूं कौन सा बड़ा खेल खेलने वाला है तू। मेरी मुट्ठी में 30 लोगों की जान है, मेरी जैसे ही मुट्ठी खुली सभी के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। क्या चाहिए तुम्हें? एक जान के बदले में 1 करोड़ रुपए, यानी 30 करोड़ रुपए। 30 लोगों को बंधक बनाकर तुमने एक बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है, बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है। क्या लगता है तुम्हें आसानी से बच पाओगे मेरे हाथों? हाँ, पैसों का इंतजाम हो जाए तो फोन कर देना। सुन, हेलो हेलो, मुझे एसीपी सर को फोन करना चाहिए। सर, मैं रघुवीर, इस डिपार्टमेंटल स्टोर का मालिक, और ये आर्किटेक्ट मिस्टर उदय, आपने बुलाया था ना सर? हाँ, इस बिल्डिंग के सारे दरवाजे बंद है। अब सिर्फ इतना बताओ, क्या कोई इमरजेंसी एग्जिट्स है जहाँ से हम अंदर घुस सके? 2 इमरजेंसी एग्जिट हैं सर, जिसमें से 1 स्टोर रूम में खुलता है। हेलो हेलो हैप्पी। हेलो हेलो निधि। हेलो हैप्पी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना हैप्पी? मैं ठीक हूँ, मुझे एसीपी सर से बात करनी है। एक सेकंड, मुझे मत करवा। हेलो हैप्पी, कहाँ हो तुम बेटा? हैप्पी तुम ठीक तो? सर, मेरे दोस्त हैप्पी का फोन है डिपार्टमेंट। बोलो बेटा, कहाँ हो? मैम जरा फोन दीजिए प्लीज। मैम मैम प्लीज फोन दीजिए। हैप्पी, तुम ठीक तो हो ना बेटा? मैं ठीक हूँ एसीपी सर। इस वक्त कहाँ पर हो तुम? मैं स्टोर में एक तरफ कोने में बैठा हूँ और मैं उन लोग से दूर हूँ। अभी बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना। हाँ? देखो, पहले अपना फोन साइलेंट मोड पर करो। एसीपी सर, मैंने अपना फोन पहले से ही साइलेंट पर रखा है। कर दिया है, वेरी गुड बॉय। अब किसी ऐसे जगह में छुप जाना जहाँ पर तुम्हें कोई देख न सके, और बिल्कुल आवाज भी मत करना, बिल्कुल आवाज मत करना। हम लोग बाहर हैं, अंदर घुसने की कोशिश कर रहे तुम सबको बचाने के लिए। मुझे बहुत डर लग रहा है एसीपी सर, प्लीज आप लोग कुछ जल्दी करिए। नहीं नहीं हैप्पी, अरे तुम बहादुर बच्चे हो, और बहादुर बच्चे कभी घबराते नहीं। एक बात बताओ, कितने लोग हैं उन्हें? सर, मैंने सिर्फ 7-8 लोगों को देखा है। अच्छा, क्या उनमें से किसी का चेहरा देखा तुमने? नहीं सर, सबके चेहरे ढके हुए हैं। जैसे ही मैं किसी का चेहरा देखूंगा, मैं आपको मोबाइल से फोटो लेके भेज दूंगा। वेरी गुड बॉय, बेटा जरूर फोटो भेजना, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, उन फोटो से भी ज्यादा मुझे तुम्हारी चिंता है। हा? अपने आप को मुसीबत में मत डालना। हम लोग आए हैं, तुम सबको बचाएंगे। घबराओ मत, हैप्पी गुड लक। ओके सर। ओके, मैं क्या करूं जिससे ये लोग अपना मास्क निकाले? बाहर निकल के देखता हूँ, किसी दूसरे ने अपना मास्क निकाला होगा। नारियल पानी ले लो, नारियल पानी, नारियल पानी पी लो, नारियल पानी। नहीं चाहिए। सर, इसे पीने से आइडिया आता है। अरे बोला ना नहीं चाहिए। सर, पीछे तो देखो। तू यहाँ क्या कर रहा है? सर, डीसीपी साहब ने भेजा है आप लोगों की मदद करने के लिए। ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप हंस क्यों रहे हो? अरे हंसू नहीं तो क्या करूँ? एक तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, ऊपर से डीसीपी साहब ने तुम्हें यहाँ पे भेज दिया। हटिए प्लीज, प्लीज हटिए। क्या पता चला गाड़ी के बारे में? सर, गाड़ी किसी हृदय नाम के आदमी की, उसका एड्रेस भी मिल गया सर। मैडम संभाल के। भैया प्लीज कुछ खाने के लिए मंगा दो, बहुत कमजोरी आ रही है, चक्कर आ रहे हैं। भैया खाना चाहिए? खाना नहीं, कुछ भी दे दो, मुझे डायबिटीज है ना, तो ज्यादा देर भूख ही नहीं रह पाती मैं। अरे ले आओ भाई इनके लिए कुछ खाने का, करोड़ों की लॉटरी जो ठहरी है
ओके बॉस। आज से तुम लोगों को कुछ खाने को नहीं मिलेगा। इनके सीने में देरी नहीं है, क्या करूं जो इनका नकाब निकाल पाऊं। ये हृदय है घर में? वो तो बैंक गए हैं। देखिए हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? हमें इस हृदय के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। क्या हुआ सर? हमें उनकी गाड़ी डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर मिली है, जिसमें कुछ लोग बैठ के आए थे, और उस डिपार्टमेंट स्टोर के जितने भी लोग हैं उन सबको बंधक बना लिया उन्होंने। ओह माय गॉड। लेकिन सर उनकी गाड़ी तो आज सुबह ही चोरी हुई है बैंक के बाहर से। आपको कैसे पता? उन्होंने बताया था मुझे फोन पर। अच्छा ये बैंक कहाँ पर है जहाँ पे हृदय काम करता? सरोजनी नगर। थैंक यू। सर सरोजनी नगर तो वही जगह है जहाँ पर ये डिपार्टमेंटल स्टोर है। हाँ, बैंक के बाहर से गाड़ी चोरी होती है और डिपार्टमेंटल स्टोर के लोगों को बंधक बना दिया जाता है, ये मामला है क्या? अब उठाए घूंघट चेहरे से। ये एसी फैन किसने बंद कर दिया? समझ में नहीं आ रहा। मैं अभी जाकर स्विच खोजता हूं। बॉस मैंने सभी स्विच चेक कर लिए, सब ठीक है, फिर भी पता नहीं एसी और फैन कैसे बंद हो गया। ये जरूर एसीपी की चाल है। हेलो एसीपी प्रद्युमन, तुम्हें क्या लगा तुम अपना दिमाग दौड़ा के इन लोगों को मुझसे बचा लोगे? बकवास बंद करो, क्या कहना चाहते हो? मतलब तो तुम अच्छी तरह से समझ रहे हो एसीपी प्रद्युमन, तुमने स्टोर के फैंस और एसी ऑफ करा दिए ताकि हम लोग गर्मी से परेशान हो जाएं, हाँ? लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि हमारे साथ तुम्हारे 30 बंदी भी हैं। देख मैंने स्टोर का एसी नहीं बंद किया, समझे? अगर मैं स्टोर का एसी बंद करता तो उसके साथ लाइटें भी बंद करता। तो ठीक है उसे जल्दी ठीक कराओ, नहीं तो हर 10 मिनट में एक लाश बाहर आएगी, समझ गए? एक बात अच्छी तरह से सुन ले, उन लोगों में से किसी का भी बाल बाका हुआ ना, किसी का भी, समझ ले? हेलो हेलो हेलो, डैम इट, फोन बंद किया। ये फोटोज एसी साहब को भेज देता हूँ। किसने बंद किया होगा एसी? एसी जिसने भी बंद किया होगा अंदर से किया होगा सर। हेलो हैप्पी बेटा, क्या स्टोर का एसी बंद किया तुमने? हाँ सर। अरे क्यों बेटा, क्यों किया तुमने ऐसा? देखो ये बहुत बड़ी गलती की तुमने, समझा? मुझे पूछना तो चाहिए था। पता है क्या हुआ, अंदर जिन लोगों ने हमारे लोगों को बंधक करके रखा है ना, वो नाराज हो गए हैं और शायद वो उन लोगों को तकलीफ भी देंगे। सर मुझे लगा था कि वो लोग गर्मी से परेशान होकर नकाब निकाल देंगे सर, और उन्होंने वैसे ही किया सर। मैंने आपको फोटो भी भेजी है। फोटो भेजी है तुमने? गुड बॉय, वेरी गुड वर्क। हाँ और सुन, अपना ख्याल रखना। हाँ जी सर। और जो कुछ भी करना चाहते हो पहले मुझे बताना। हाँ हाँ सर। निखिल अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में देखो, देखो क्या पता चलता है इसके बारे में, जल्दी। बच्चा बहुत स्मार्ट है सर। सर हाँ कुछ मिला? नहीं सर, इसमें से कोई भी डेटा में नहीं है। एक काम करो निखिल, फोटोग्राफ
या जितने भी लोग हैं उन सबको दिखाओ, देखो किसी ने देखा है क्या इसे। जल्दी जानता हूँ। किसको जानते हो भाई? सर उसका फोटो लैपटॉप में है। कौन है वो? वो छोटा मोटा चोर है, जतिन नाम है उसका। छोटा मोटा चोर है और इतना बड़ा ऑपरेशन, 30-30 लोगों को बंधक बना के रखा है। देचू तुम्हें पक्का यकीन है ना कि ये जतिन ही है? मैं तो ये भी जानता हूँ कि आपके आगे के बाल कितने चले गए। माफ कीजिएगा सर, पर मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। जतिन कुछ पता चला कौन आया है मौत के मुंह में? कोई नहीं दिखाई दिया बॉस, मैंने चप्पा चप्पा छान मारा, मुझे तो लगता है कोई चूहा वगैरह था। तुम लोग गधे के गधे हो, कोई चूहा करके ऐसी बंद करेगा क्या? फिर से तलाशी लेता हूँ बॉस। चाहे वो जो भी हो, मुझे हर हालत में वो चाहिए जिसने भी ऐसी बंद किया है। ठीक है बॉस। हृदय जी मैं हूँ, बोलिए। सीआईडी। हेलो सर, मेरी वाइफ ने फोन किया था, कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। हाँ, आपकी कार चोरी हुई है? जी हाँ। चोरी हो गई है या जानबूझकर किसी को दे दी? हाँ, चोरी का तो सिर्फ बहाना होगा। नहीं सर, चोरी हुई है। आज सुबह बैंक में हमला हुआ था, उसी वक्त चोरी हो गई। बैंक में हमला हुआ? जी हाँ। कितने बजे? 10-10:30 बजे के आसपास। सर 11 बजे के आसपास उन लोगों ने डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके लोगों को बंधक बनाया था। कितने लोग थे ये हमला करने वाले? सर 8 लोग थे। थैंक गॉड बैंक लूटने में नाकाम रहे, मगर सर वो मेरी गाड़ी लेके भाग गए। आपने चेहरे देखे उन लोगों के? नहीं सर, चेहरा ढका हुआ था, अचानक से आए और लॉकर रूम में घुस गए। लॉकर रूम में घुस गए? हाँ सर, एक लॉकर भी खोला था उन्होंने। खोला था या तोड़ा था? सर वो तोड़ा नहीं गया बल्कि कोर्ट से खोला गया। और इस वॉल्ट का सिक्योरिटी कोड या तो मैनेजर को मालूम होता है या फिर कस्टमर को। इन लुटेरों को कैसे पता चला? ये मैनेजर कहाँ है? सर मैनेजर का कोई आता पता नहीं है, उनका फोन भी नहीं लग रहा है और आज सुबह से वो ड्यूटी पर नहीं आए। मैनेजर का एड्रेस क्या है? समझा था उसको, समझा नहीं, हो गया उसका खेल। तुम लोगों में भीखू कौन है? अगर दोबारा भागने की कोशिश की तो गोली सीधे सीने के पार होगी। डिपार्टमेंटल स्टोर में जिन लोगों ने मासूम लोगों को बंधक बना रखा है, कौन है वो लोग? डिपार्टमेंट स्टोर साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम इस बारे में, मेरा कोई भी आदमी वहां पे नहीं है साहब। जतिन तुम्हारा ही आदमी है ना? जतिन वो तो नमक हराम है साहब, वो बहुत पहले मेरा साथ छोड़ दिया साहब, अब वो किसी और के लिए काम करता है साहब। किसके लिए? कोई केवल नाम है साहब, केवल नाम के आदमी है साहब। जानते हो केवल को? कोई नया बंदा है साहब इस धंधे में, पहले उसका नाम कभी मैंने सुना नहीं। हाँ मैंने जतिन के मुंह से सुना था कि उन लोग बैंक रॉबरी के बारे में बात कर रहे थे साहब। बैंक रॉबरी? किस बैंक रॉबरी के बारे में बात कर रहे थे? ज्यादा कुछ नहीं मालूम मेरे को साहब। वो तो हम पता लगा लेंगे, और तू कान खोल के सुन ले, सारे गलत काम छोड़ और सीआईडी के लिए काम कर, जिंदगी भर सुखी रहेगा। तू भी सुधर और इन लोगों को भी सुधार। गलत कामों में कुछ नहीं रखा है,
थैंक्स सर। जतिन के दोस्त ने बताया कि जतिन किसी केवल नाम के आदमी के साथ बात कर रहा था अपने नए काम के बारे में। केवल है कौन ये केवल? सर जी ये वही केवल होगा। वही केवल? कौन केवल? क्या तुम किसी केवल को जानते हो? जी हाँ सर, जिस केवल को मैं जानता हूँ वो यूनिवर्सल बैंक में काम करता है। सर ये तो वही बैंक है जहाँ पे लूटपाट के इरादे से आज सुबह हमला किया गया था। हाँ, कैसे जानते हो केवल को? मेरे स्टोर का अकाउंट है वहाँ पे। सचिन काम करो, रघुवीर को सारे फोटोग्राफ दिखाओ, देखो उसमें केवल कौन है। सर सर सर, बैंक पे हमला और डिपार्टमेंटल स्टोर में लोगों को बंधक बनाना, इसमें आपस में कोई संबंध तो नहीं है? संबंध है फ्रेडी, संबंध जरूर है। अगर ये वही केवल है जो यूनिवर्सल बैंक में काम करता है तो फिर उसे बैंक के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है, और इस केवल ने ही सारा प्लान बनाया है। केवल शायद यही विक्रम है। दो गोली मारी है सर। हाथ पैर और चेहरे पे जख्म के निशान है। अगर गोली मारने से पहले काफी टॉर्चर किया गया इसे। सर किसने किया होगा ये सब? उन लुटेरों ने। सर आपका मतलब है लॉकर का कोड पूछने के लिए इसे टॉर्चर किया गया? हाँ पूर्वी, अब हमें यह पता करना होगा कि उस लॉकर में ऐसा था क्या जिसकी वजह से इस मैनेजर ने अपनी जान गंवा दी। बोल बॉस, एसी और फैन का स्विच अंदर से बंद है। इसका मतलब है कोई और भी है जो छिपके बैठा हुआ है। ढूंढो। और कितना टाइम लगेगा? बॉस एक घंटा और लगेगा। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, समझे तुम? ये लोग दीवार में ड्रिल क्यों कर रहे हैं? आपको पक्का यकीन है जो सामान लाकर नंबर 335 में था वो यहाँ दीवार के अंदर सेफ में है? ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है, ये सोचना मेरा काम है। तुम बस अपना काम करवाओ, समझे? ये 335 क्या है? एसीपी सर को मैसेज करता हूँ। केवल के साथ जितने भी लोग हैं उन्होंने कोड नंबर पूछने के लिए मैनेजर को टॉर्चर किया, उसके बाद उसका खून कर दिया। सर एक बैंक में काम करने वाला आदमी इस हद तक गिर सकता है? नहीं, कुछ ना कुछ तो और ही है, ये कुछ कहानी कुछ और ही है। क्या हो सकता है सर? क्योंकि केवल तो पैसे की लालच से यहाँ पे आया था। वही तो सचिन, सोचो जरा, ये लोग आए थे बैंक लूटने के लिए मगर बैंक लूट नहीं पाए, उसके बाद में यहां पर आए इस डिपार्टमेंट स्टोर को लूटने के लिए। क्यों? अब बैंक में जितना पैसा है उतना डिपार्टमेंट स्टोर में थोड़ी मिलेगा, जरूर कोई खास वजह थी जो वो यहां आए डिपार्टमेंट स्टोर में। क्या वजह हो सकती है? ड्रिल मशीन दीवार में? सर डिपार्टमेंटल स्टोर में कोई ड्रिल मशीन से क्या तोड़ेगा? सर शायद भागने का रास्ता बना रहे होंगे। नहीं फ्रेडी, 30 करोड़ रुपए मांगने वाले लोग भागने की कोशिश करेंगे? नहीं 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 नहीं, और एक मैसेज 335। ये 335 क्या हो सकता है सर? वही तो 335, ये हैप्पी कहना क्या चाहता है? लॉकर नंबर 335। यस, हैप्पी यही कहना चाहता है, लॉकर नंबर 335। सचिन काम करो, यूनिवर्सल बैंक में जाकर पता लगाओ वहां पर उनके पास लॉकर नंबर 335 है क्या, और अगर वो लॉकर है
तो वो किसके नाम पर है? सर ये लॉकर तो मिस्टर रघुवीर के नाम पर है। रघुवीर, वो इंडस्ट्रियलिस्ट जिसका एक डिपार्टमेंट स्टोर भी है पास में? जी हाँ सर, वही। क्या था इस लॉकर में? सर पता नहीं, क्योंकि वो लॉकर तो पिछले एक हफ्ते से खाली था। थैंक यू। मतलब उन लुटेरों को कोई ऐसी चीज चाहिए थी जो उस लॉकर में थी। जब वो लॉकर में कुछ नहीं मिला तो उन लोगों ने डिपार्टमेंट स्टोर में हमला कर दिया। मगर सर ऐसी कौन सी चीज होगी? कोई ऐसी चीज जो पैसे से भी ज्यादा कीमती है और जो शायद उस डिपार्टमेंटल स्टोर में है, और ये बात सिर्फ रघुवीर जानता है। क्या है लॉकर नंबर 335 में? सर थोड़ी सी ज्वेलरी और कुछ कैश के अलावा कुछ भी नहीं है उसमें। थोड़ी सी ज्वेलरी और थोड़े से पैसे के लिए कोई बैंक क्यों लूटेगा? हो सकता है उसमें कोई ऐसी चीज हो जो बहुत कीमती थी, उन लुटेरों को वहाँ पे नहीं मिली, इसलिए वो लोग आपके डिपार्टमेंट स्टोर में आए यहाँ पे। सर मेरा विश्वास कीजिए, वहाँ पे ऐसी कोई भी चीज नहीं है। तो फिर केवल आपके डिपार्टमेंट स्टोर का सेफ क्यों तोड़ रहा है? पता नहीं सर, शायद उसे पैसे चाहिए होगा। पैसे? 30 करोड़ रुपए तो हम देने के लिए तैयार है, तो फिर वो तुम्हारे लॉकर के पीछे क्यों पड़ा है? पता नहीं सर वो क्या चाहता है, जो सच था वो मैंने आपको बता दिया। एसीपी साहब, तुम्हारा खबरी हमारे पास है, अगर यकीन नहीं होता तो उससे बात कर लो। ले बात कर उससे। एसीपी सर, इन लोगों ने मेरे को पकड़ लिया है सर, प्लीज मुझे बचाइए। हैप्पी, देखो खबर लिया ना, अब ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना। चुपचाप रघुवीर को हमारे हवाले कर दो, वरना ये बच्चा भगवान को प्यारा हो जाएगा। और तुम सोच लो एसीपी, तुम्हें खबरी चाहिए या रघुवीर, डिसाइड तुम्हें करना है। वो कह रहे हैं रघुवीर को अंदर भेजो। एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब वो लोग सेफ तोड़ ही रहे हैं तो उन्हें रघुवीर क्यों चाहिए? सेफ खोलने के लिए उसे कोड चाहिए होगा, इसीलिए अंदर बुलाया होगा सर। बिल्डिंग के आर्किटेक्ट को बुलाओ। इस डिपार्टमेंट स्टोर में दरवाजों के अलावा अंदर जाने का कोई और रास्ता है? अब तो सर एक ही रास्ता है, एसी का डक्ट जो स्टोर के ईस्ट और साउथ सिरे तक जाता है। क्या कोई इसमें से अंदर जा सकता है? हाँ जा तो सकते हैं, लेकिन कोई छोटा बच्चा ही जा सकता है। सर मुझे क्यों फंसा रहे हो सर? सर वहाँ जान का खतरा है सर। सर मुझे मत भेजो सर, मुझे बलि का बकरा मत बनाओ सर। देखो देखो, इतने लोगों की जिंदगी का सवाल है, बहादुरी दिखाने का टाइम आया तो पीछे हट रहे हो? तुम जाओ अंदर, हम लोग हैं तुम्हारे पीछे। ये सर, ये बात है सर, मैं जरूर जाऊंगा। रेडी सर। अब एक काम करो, स्टोर रूम के अंदर जाने के बाद इमरजेंसी एग्जिट का दरवाजा है वो खोल देना। और कितनी देर लगेगी? बॉस सिर्फ 2 मिनट। 2 मिनट के अंदर सेफ का पूरा पुर्जा खुल जाएगा। पिछले 1 घंटे से मैं तुम्हारा ये 2 मिनट सुन रहा हूँ, तुम्हारे चक्कर में हमारी कब्र खुद जाएगी, समझे? इतने लोगों की जिंदगी का सवाल है, बहादुरी दिखाने का टाइम आया तो पीछे हट रहे हो? हाँ एसीपी साहब, पैसों का इंतजाम हो गया तो आप आ रहे हैं ना पैसे देने के लिए? हाँ पैसे का इंतजाम हो गया, इसलिए फोन किया है तुझे। बता कहाँ और कैसे लेके जाएगा पैसा? पता नहीं क्यों मुझे आपकी बातों से दुगलेपन की बू आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे फांसने के लिए कोई नया जाल बिछा रहे हैं? तेरे जैसा कमीना नहीं हूं मैं, समझे? अपने आदमी को भेज और लेके जा पैसा। एसीपी मुझसे कभी मजाक मत करना, समझे? मजाक करने की आदत नहीं है मुझे, समझे? काम की बात कर, एक हाथ ले एक हाथ दे। ठीक है, लेकिन लेन देन मेरे हिसाब से होगा। मतलब क्या? मुझे एक हेलीकॉप्टर चाहिए। क्या? सारे पैसों को लेकर अपने आदमियों के साथ हेलीकॉप्टर से चला जाऊंगा, उसके बाद तुम अपने आदमियों को ले जाना। ये हेलीकॉप्टर कहां से आ गया?
पहले तो ये नहीं कहा था तूने? नहीं होगा, हेलीकॉप्टर नहीं मिलेगा तुझे। मैं जो चाहूं कर सकता हूं, हेलीकॉप्टर का इंतजाम हो जाए तो मुझे फोन कर देना, समझे? हेलो, डैम इट, हेलीकॉप्टर मांग रहा है, हेलीकॉप्टर क्यों? तो अच्छी तरह से जानता है कि हेलीकॉप्टर का इंतजाम इतनी जल्दी नहीं हो सकता, तो फिर हेलीकॉप्टर क्यों मांग रहा है? वक्त चाहिए उसे, वक्त चाहिए, कुछ और ही चक्कर है, कुछ और ही चक्कर है क्या? और फिर उसे रघुवीर क्यों चाहिए अंदर? रघुवीर, ये रघुवीर जरूर कुछ ना कुछ तो जानता है। रघुवीर, एक बार ये ढेचू शटर खोल दे, फिर देखते हैं इसकी डिमांड को। देखते हैं। ढेचू ने अपना काम कर दिखाया। गुड जॉब ढेचू। चलिए रुक जाओ एसीपी। अगर आगे बढ़े तो इस बच्चे को मैं जान से मार दूंगा।
छोड़ दे बच्चे को। छोड़ तो दूंगा उसे, लेकिन एसीपी साहब आप अपने आदमियों से कहो कि वो अपने बंदूक के नीचे रखे। बच्चे को छोड़ दे। एसीपी सर, इनकी बातों में बताइएगा, ये सिर्फ अपने बचाव के लिए धमकी दे रहे हैं, ये कुछ नहीं करेंगे। तुझे ट्रेलर देखने का बहुत शौक है ना, अभी बताता हूँ तुझे। नहीं, कर दे। बच्चे को खुश मत करना। क्यों किया तुमने ये सब, बताओ? मैं रघुवीर से बदला लेना चाहता था। कैसा बदला? एसीपी सर, इसकी बातों मत आइए, इसे पैसा नहीं मिला ना, इसलिए बौखला गया, ये कुछ भी अनाप शनाप बकरा सर। ये तुम चुप रहो, समझे? जब तुमसे पूछेंगे तो जवाब देना। बोलो, क्यों किया ये सब? सर, आप इसके सेफ को खोलेंगे, उसमें आपको एक डायरी मिलेगी। इस दुनिया में ऐसा कोई काला धंधा नहीं है जो ये आदमी नहीं करता है, चाहे वो ड्रग ट्रैफिकिंग हो, किडनैपिंग हो, एक्सटॉर्शन हो, मर्डर हो, स्मगलिंग हो, हर गुनाह में ये आदमी शरीक है सर, हर गुनाह में। मेरे पिताजी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, वो इसके काले कारनामों का पर्दाफाश करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी बनाई। इस दरिंदे ने उनके मौत का ऐसा जाल बुना कि वो इस दुनिया से चले गए। ये झूठ बोल रहा है सर। चुप चुप। निखिल, ले जाओ इसे और इसके सेफ में से सारी फाइलें और इसकी वो जो डायरी है ना, वो सब ले लो। केवल रघुवीर को उसके किए हुए गुनाह की सजा मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन तुमने भी उससे बदला लेने के लिए 30 लोगों को बंधक बना के रखा, 30 लोगों को, और बैंक मैनेजर का खून भी किया। तुम्हें तो शायद फांसी ही होगी। थैंक यू हैप्पी बेटा, पता है तुमने कितनी बहादुरी का काम किया है? तुमने सीआईडी की मदद की और तुम्हारी वजह से 30 लोगों की जानें भी बची। गुड बॉय, गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। देखा बच्चों, कैसा बहादुरी का काम किया हैप्पी ने। अब तुम लोग भी जब भी कभी किसी मुसीबत में फंसो तो हिम्मत मत हारना और धैर्य और दिमाग से काम लेना। ये लो, ये है हमारे बहादुर छोटे हीरो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।